भानु मान प्रताप लीजिए जी, मैं प्रधानमंत्री ये जी कह ने रही हूं कि इनको आंदोलन का पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आंदोलन ना कि जो आपकी मर्जी में आएगा आप करते चले जाएंगे। आपके हौसले ऐसा इतने बुलंद हो जाएंगे कि आप हर किसी को अपने पैर की जूती समझने लगेंगे। ये हिंदुस्तान है। इसके लिए तो न्यायालय है, संविधान है, ये लोकतंत्र है, और जो गुंडागर्दी करता है उसके लिए फोर्स है, सरकार पे फोर्स भी है उसके लिए। ऐसा गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो महिला हैं, जो बेटियां हैं, उनके साथ तो कभी भी कोई अपशब्द बोलना पाप है। नहीं, इनको और ये समझ ही नहीं है कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। इनको इस बात की परख ही नहीं है। इनके मुंह से चीजें ऐसे निकलती चली जाती है जैसे ये रोजमर्रा आम भाषा हो। अब नहीं चलेगा। ये भूल गए हैं कि आज के जमाने की महिलाओं से बात कर रहे हैं। ये पिछड़े जमाने की महिलाएं नहीं है, ये हम लोग हैं। और हमें पता है, अगर इज्जत देंगे नहीं तो छीन कर हासिल करेंगे। हमें भी पता है कि आंदोलन क्या होता है। उसके लिए हमें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं है। हम जहनी आंदोलन करना जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। विजय सरदाना जी, ये जो घमंड, ये जो इतराना, ये जो बदतमीजी थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इनको लगता है जीत हुई है। अब हम जो चाहेंगे करवा देंगे। देखिए रविका जी, ये जो आपने, ये इनके संस्कार हैं, ये सिर्फ आपके साथ इन्होंने नहीं किया है, ये सब किसान नेताओं ने अपने पिछले 1.5 साल में संस्कार दिखाए, अपनी जिस तरह से कहते हैं ना कि अपब्रिंगिंग दिखाई है। इस देश में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, इन्होंने वहां से पल्ला झाड़ लिया। आज कहते हैं जिन्होंने 26 जनवरी को आतंकवाद किया इस देश में, अब उनके कानून हटा लो। कल तक ये बोलते थे वो हमारे लोग नहीं है, लेकिन आज ये आंदोलन कर रहे हैं कि 26 जनवरी वाले लोगों के कानून हटा लो। मतलब अब ये इनके बन गए। तो इनके दोगिलेपन का कोई एंड नहीं है, पहला। दूसरा, इनके बॉर्डर पे महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये वहां से भाग जाते हैं कि हमारे लोग नहीं है। इनके यहाँ पे हत्याएं होती हैं, ये वहां से भाग जाते हैं, हमारे लोग नहीं है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को मर्जा मोदी बोलते हैं, ये इनके संस्कार हैं, ये इनके अपब्रिंगिंग है। और मुझे तो ताजुब तब होता है जब इस देश का राजनीतिक, जो मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रहा हूं, जो राजनीतिक सोच है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे सत्ता में है, ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। मेरे को उन पे भी शर्म आती है कि क्या यही स्तर रह गया हमारी राजनीति का, कि अराजक तत्वों के पीछे बैठ के आप राजनीति करोगे। आप में से एक की हिम्मत नहीं हुई अपोजिशन में ये कहने की कि देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई हो। आफ्टर ऑल वो मेरे देश का प्रधानमंत्री है, यहां राजनीति नहीं होती। कहने का मतलब ये है हमें कि हमें इस देश को समझना होगा कि क्या ये देश प्रजातंत्र से चलेगा या लूटतंत्र से चलेगा या मॉब चलाएगा या लोकतंत्र चलाएगा। अनफॉर्चुनेटली सापरा साहब, प्रधानमंत्री जी ये ने शायद इशारा ये आपकी समझ तरफ भी लिया। है। मैं सबकी तरफ कर रहा हूं, तो अराजक लोगों का समर्थन कर रहे हैं किसी भी बहाने, अगर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं अराजकता के कारण, उन सबको शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को लोकतंत्र नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पे आवाज उठा सके। उनको आतंकवादियों, मवालियों, अराजक तत्वों, गुंडागर्दी वाले लोगों का सहारा लेना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या हो सकता है, ये दुख की बात। सापरा जी, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।